तो गाइस जो है ना, मैंने कल डाला था तो मैंने सोचा थोड़ी देर तो डाला है, आज फिर डाल लिया क्योंकि कल शाम को कहीं चले गए थे ना, तो फिर मैंने चेंज कर लिया था, तो इस वजह से मैंने आज ये दोबारा से डाल लिया। तो गाइस आप सभी ना एक बात बताना कि सर्दियों में जो मतलब दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक से मैं ना दिन छिप जाता था 5 साढ़े 5 बजे तक बिल्कुल ही, और आज 6 से भी ऊपर टाइम हो गया और देखना अभी तक कोई दिन नहीं छिपा, अभी तक थोड़ा सा उजाला उजाला सा है ना। सो गाइस अभी मैं ना राजमा रखूंगी धो के उबलने के लिए, टाइम हो गया 6 बज गए हैं, तो मंजीत भी आ जाएंगे फिर, तब तक मैं सब्जी वगैरह रेडी कर लेती हूँ, आटा लगा के रख लेती हूँ, बाकी का काम तो बाद में आके जब वो आ जाएंगे ना तभी करूँगी, और जोत लगा देती हूँ। ये 2-3 काम है जो कि मैं करके और रेडी कर देती हूँ। चलिए एक बार राजमा धो के रखती हूँ उबलने के लिए, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं। तो जी मेरे कपड़े हैं प्रेस करने वाले, 6 से 7 जोड़ी हैं, और मैंने अपना ब्लैंकेट नहीं उठाया, यहीं पर पड़ा हुआ है। सो गाइज अभी मैं करूँगी प्रेस, तब तक प्रेस गर्म हो जाती है। और गाइज मैं ना एक न्यू स्टूल लेकर आई हूँ, ये लेकर तो मैं आई थी मशीन के लिए कि मशीन से जब सूट वगैरह सी लूँगी ना तो ठीक काम आएगा बैठने के लिए, बट यहाँ पे ना मुझे बेड पे ही बैठ के प्रेस करनी पड़ती थी, तो अब मैं प्रेस करूँगी सीधा स्टूल में बैठ के अच्छे से। सो गाइज चलिए एक बार मैं प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो जी ना राजमा मैंने सुबह गर्म पानी में रखी थी भिगो के, और देख सकते हैं आप सभी, अब मैं इनको 2-3 बार वॉश करके अच्छे से, और उसके बाद मैं इनको रख देती हूँ उबलने के लिए। तो चलिए एक बार मैं ये वाला काम कर देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है? ये मैं कर देती हूँ जल्दी से वॉश। सो गाइज मुझे ना इस वाली वीडियो में वॉइस ओवर इस वजह से करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे चल रहा था फ़ोन, तो इस वजह से ना फिर वो कॉपीराइट ना आ जाए इस वजह से। तो इन्होंने ना प्याज का तो फाइन पेस्ट बना लिया है, और उसके बाद प्याज को एक कटोरी में निकाल लिया है, और इसके बाद इन्होंने टमाटर का भी ऐसे ही पेस्ट बनाया अलग से, फिर हरी मिर्ची और लहसुन का अलग से बना के, इन्होंने ही कल सब्ज़ी बनाई थी तो मंजीत बोल रहे थे कि आज मैं सब्ज़ी बनाऊंगा ऑफिस से आगे, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं बना देना, तो इन्होंने ही सब्ज़ी बनाई थी। सो गाइज मैं आपको बता दूँ सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, सब्ज़ी अच्छी बनाई थी, बेशक से थोड़ा सा टाइम लगाया था बट सब्ज़ी अच्छी थी। सो गाइस सब्ज़ी ना थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग तो थी, बट इसमें ना कोई भी एक्स्ट्रा के मसाले नहीं थे, सिर्फ प्याज टमाटर लहसुन और हरी मिर्ची। और सो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ ना कि हम लाल मिर्ची ना बिल्कुल भी नहीं खाते, तो ये सब तो ना बेसिक चीज़ें होती है। देखिए टमाटर और हरी मिर्ची और प्याज वगैरह तो ना हर कोई डालता है सब सब्जियों में, बट हम ना कोई भी एक्स्ट्रा के मसाले नहीं खाते, हम खाते सिर्फ हल्दी और नमक, बाकी का और कुछ भी नहीं, गरम मसाला किचन किंग चाट मसाला हम कुछ भी नहीं डालते, बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्जी बनाई थी बट सब्जी काफ़ी अच्छी थी। सो गाइज डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।
सो गाइज ये था फाइनली राजमा का लुक कुछ ऐसा। तो मैंने रोटी बना ली थी राजमा, और मैंने हरी मिर्ची बनाई थी तवे पर, उसके बाद लास्ट में मंजीत का दूध गर्म कर दिया हल्दी वाला, और इसमें थोड़ा सा डालते हैं ये घी। सो गाइज आप सभी ना कमेंट करके बताना, जितनी भी लेडीज़ हैं या जितनी भी गर्ल्स हैं ना, कि जब भी आप डेली सब्जी बनाने जाते हो तो आपको भी कन्फ्यूज़न रहती है ना कि आज क्या बनाऊँ आज क्या बनाऊँ। सुबह सुबह फिर रात को ही टेंशन लगने लग जाती है कि सुबह क्या बनाना है सुबह क्या बनाना है। अगर आप सभी के साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहती हूँ। शाम होते ही आज क्या बनाऊँ, फिर रात का खाना खा के सुबह की टेंशन, सुबह क्या बनाऊँ सुबह क्या बनाऊँ। तो आप सभी कमेंट करके बताना, आप भी कन्फ्यूजन में रहते हो या सिर्फ मैं अकेले ही रहती हूँ। सो गाइज मेरा ना अभी इवनिंग का रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। मॉर्निंग से तो मैंने आपको कुछ भी इस वजह से नहीं दिखा पाई क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं दिखाने के लिए। क्या ही मैं तो आपको दिखाती, रात को सब्जी बना दी थी मैंने तो, सुबह वही खा ली थी। उनका टिफिन मैं पैक करती हूँ तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको सब कुछ दिखाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह एक तो मैं 7 बजे सो के उठती हूँ, उसके बाद मुझे 8:30 बजे तक सारा काम करना होता है। सो इस वजह से ना मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाती, काफ़ी जल्दी जल्दी में मैं काम करती हूँ। तो अभी मैं करती हूँ इस वाली वीडियो का यहीं पर एंड। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।